લોકસભાની 5 રાજ્યની જાહેર થયેલી ચૂંટણીથી ભાજપનું કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. ત્યારે ભાજપ તરફથી રાજસ્થાનમાં બાલારામજી ચૌધરી મુંડની લોકસભામાં ઉમેદવાર તરીકે નામ જાહેર કરતા તેમના મિત્ર વર્તુળોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે બીજી તરફ બાલારામજી ચૌધરીને ટિકિટ મળતા સુરતની રાધાકૃષ્ણ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં સમસ્ત રાજસ્થાની પ્રવાસી બંધુઓ દ્વારા ઢોલ નગારા સાથે ફટાકડા ફોડી અને ગુડ ખવડાવીને ખુશી વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. मेरा नाम नरेंद्र चौधरी है. आज हम यहाँ सब राजस्थानी प्रवासी बंधुओं द्वारा जो राजस्थान में बीजेपी की पहली सूची बाहर आई है उसमें बाड़मेर के बायतू विधानसभा से श्री बालाराम जी चौधरी को प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित किया है उसी की खुशी मनाने के लिए आज सारे प्रवासी बंधु यहाँ बायतू क्षेत्र के इकट्ठा हुए हैं और सारे प्रवासी भाइयों में बहुत ही खुशी की लहर है क्योंकि ये एक ऐसे कैंडिडेट है, ये एक ऐसे प्रत्याशी है जो गाँव के अंदर एक मध्यम वर्ग के लोग से नीचे के तबके के लोगों से जुड़े हुए हैं. इनके पूरा परिवार इतना साधारण परिवार है. आज गांव में आप देखते हो छोटा सा सरपंच अगर कोई जीतता है तो उसका बेटा भी चौड़ी छाती करके बटन खोलकर चलता है, लेकिन इनका परिवार इतना सीधा है. इनके बच्चे आज तक ये बीजेपी के महामंत्री रहे, कभी 1% घमंड इन्होंने नहीं दिखा और छोटे से छोटे लोगों को काम इन्होंने हर समय किया है. आधी रात को इनको याद कर लिया तो राजस्थान से यहाँ तक अपने प्रवासी भाइयों के लिए दौड़ के आए हुए, ऐसा उदाहरण बहुत सारे पूर्व में हमने खुद ने देखे हैं. अभी थोड़े दिन पहले एक ट्रक ड्राइवर का यहाँ पर कुछ मामला हो गया था कड़ोदरा चौकड़ी पे, तो इनके लड़के खुद राजस्थान से चल के उसकी मदद के लिए यहाँ तक आ गए. ऐसे प्रत्याशी ये है तो हमारे अंदर बहुत ही खुशी की लहर है और सारे सूरत के जितने बायतू क्षेत्र के लोग हैं सभी में बहुत खुशी का माहौल है और सब यहाँ से चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और बसें भरकर राजस्थान जाएंगे और उनका समर्थन करेंगे और उनको वोट देंगे और वोट दिलवाएंगे. मेरा नाम महेश गौड़ है और मैं बायतू विधानसभा के बाटाडू कस्बे से बिलोंग करता हूँ और हमारे विधानसभा क्षेत्र बायतू में बालाराम जी मुंड को टिकट मिली है. भाजपा के प्रथम सूची में उनका नाम आया है तो हमारे यहाँ पे प्रवासी भाइयों में बहुत ही खुशी की लहर है और ये हमारे किसान कौम के और छोटे से छोटे आदमी के जुड़े हुए इंसान हैं और उसके लिए हमें यहाँ पे बहुत खुशी हो रही है और इसी के लिए हम सभी यहाँ पे प्रवासी भाई हमारे विधानसभा क्षेत्र बायतू के और आसपास के जितने भी भाई बंधु हैं सब इकट्ठे हुए और ढोल नगाड़ों के साथ हमने खुशी मनाई है और सब ने गुड़ खिला के मुंह मीठा किया है और हमें बहुत खुशी की लहर है और हम वहाँ जाके वोटिंग करेंगे और भारी मतों से बालाराम जी को विजय कराएंगे.